किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करके आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे ड्यू द्वारा दी गई वर्कशीट, दिनांक है 29/9/2021, क्रमांक संख्या 82। आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट है जो क्लास 2 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन है वो लिख लीजिए। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, यूनिट 5 जू मैनर्स पोयम, पेज नंबर 72। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस विजिट अ जू टुडे। रीड अलाउड द पोयम जू मैनर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। बच्चों आज हम जू का विजिट करेंगे। अपनी पोयम जो आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में जू मैनर पोयम है उसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पार्ट ए, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल इन द ग्लैंड्स ऑफ फिलिंग द अप्रोप्रिएट लेटर। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पे राइट कर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें अप्रोप्रिएट लेटर भरने हैं जिससे जू एनिमल के नाम बन जाएंगे। चलिए भरते हैं। नंबर एक पे देखिए ये किसका है। नंबर एक पे है कैमल, तो कैमल में सी ए एम, देखिए बच्चों थोड़ा गलत हो गया, फिर से लिखते हैं सी ए एम ई एल, कैमल यहाँ पे लिख लीजिए सी ए एम ई एल कैमल। और दूसरे पे देखिए क्या है बच्चों, दूसरे पे है बियर, तो बी ई बी ई ए आर बियर, ये भालू यहाँ पे लिख दीजिए बी ई ए आर बियर। और देखिए तीसरे पे क्या है, तीसरे पे है चिंपैंजी, चिंपैंजी में आएगा सी एच आई एम, यहाँ पे एम आएगा पी ए एन चिंपैंजी, यहाँ पे थर्ड वन पे लिख दीजिए बच्चों नाम सी एच आई एम पी ए एन जेड डबल ई चिंपैंजी। चलिए चौथे पे लायन है, ये देखिए चौथे पे लायन, और पांचवे पे है जेब्रा, तो जेब्रा जिब्रा यहाँ लिखेंगे जी ई बी आर ए जेब्रा जिब्रा, सॉरी इसे जिब्रा बोलते हैं, जेब्रा नहीं बोलते हैं, पहले बोला जाता था जिब्रा, तो यहाँ पे लिख दीजिए जेड ई बी आर ए जिब्रा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स सिमिलर साउंड वर्ड्स फ्रॉम द पोयम वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों देखिए आपको पोयम से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, एक ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट है डू और जू, यहाँ सेकेंड है हम, हम का अगर आप पोयम पढ़े होंगे तो वहां पे आएगा बम, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी यू एम पी बम। थर्ड लेक, लेक का आएगा मेक एम ए के ई मेक, और फोर्थ वन बी का ही। चलिए पार्ट सी देखते हैं। चिल्ड्रन हियर इज एन इंटरेस्टिंग पजल फॉर यू, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड। बच्चों यहाँ पे आपको जानवरों के
नाम पजल दिए गए हैं, एक पजल दिया गया है, दो पजल है सॉरी, उसमें आपको बताना है कि ये पजल किस जानवर के लिए बनी है। पहली पजल देखिए ए में है, शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं बच्चों, ऊंट को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैमल, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। सी ए एम, एम ई एल कैमल, ठीक। किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल बी में क्या है, किंग ऑफ द जंगल लायन, एल ओ आई एन, लायन, किंग ऑफ द जंगल लायन को कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ लायन आएगा, सॉरी बच्चों ये मिस्टेक है, लायन की स्पेलिंग एल आई ओ एन, लायन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लिया ना आपने बच्चों सी पार्ट में क्या दिया है, शिप ऑफ द डिजर्ट कैमल, लायन ऑफ द किंग ऑफ द जंगल लायन। चलिए पार्ट आगे देखते हैं क्या दिया है आपके लिए वर्कशीट में, टॉक टाइम, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, व्हाट डू यू थिंक द मैन एंड द लिटिल द गर्ल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट, इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग, से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। बच्चों ये देखिए आपको राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी गई है, ये छोटी लड़की है और ये शायद इसके पापा हैं, दोनों आपस में क्या बातें कर रही हैं बच्ची और उसके पापा, ये आपको अपनी इमेजिन थिंग्स से डायलॉग उसके क्रिएट करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो अपने बड़ों की सहायता ले लीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि इंसानों के व्यवहार के चलते बहुत से पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं जैसे चिड़िया बाघ, बच्चों को बताइए कि जीव जंतु का संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है, बच्चों को बताएं कि जानवरों को सेफ रखना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले दो गज की दूरी बनाए बच्चों, कोरोना को हराना है तो दो गज की दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई, पसंद आई है तो लाइक कर दे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।